Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who gain some new knowledge in the computer science field and enhance your future with the good quality of knowledge of the computer science field. And that tutorial is related with the series number 8, secondary memory, with the next part number 6, and availability of the fixed drive next memory, that is the CD and DVD. And in the previous part we discussed about the hard disk and various fixed drives like floppy disk, magnetic disk, magnetic tape. And those who don't see the previous part of tutorial, kindly check the description box. That link is available in the description box and you can check it out and enhance your knowledge day by day with the different type of memories availability for the good future of your knowledge and good future of your exams. And that is the memory description diagram. Description के according to हम लोगों ने hard disk drive तक कर दिया हुआ है. और next part जो है इस tutorial में हम पढ़ेंगे वो होगा CD और DVD का. देखने में जो दिखती है वो picture यहाँ पे insert है, जो देखने में CD दिखती है. और CD की full form होती है compact disk, circular disk है. अभी आपने picture देखी है, लेकिन जो rays use होती है वो होती है optical rays या फिर laser की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. और दोनों कामों के लिए यूज़ होती है कि एक बार जो डाटा रीड करने के लिए कोई चीज़ आपने पहले इसमें डाली हुई है उसको देखने के लिए, व्यू करने के लिए, असेस करने के लिए, तो वो रीड होता है. और अगर आपने कोई काम किया है तो उसको इसमें स्टोर करके कहीं लेके जाना है तो फिर वो राइट का काम भी आ जाता है. एंड राइट के काम में रीड का काम भी होता है कि कुछ हमने जैसे आज किया उसमें हम ऐड ऑन कुछ कल कर लेते हैं तो पिछला काम असेस में आ गया और आज का काम राइट में आ गया. और CD के मैटर पार्ट भी, टाइप्स भी होती हैं. कुछ CDs होती हैं जिसमें एक बार डाटा चला जाता है तो फिर दोबारा कुछ भी आप उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, मीन्स राइट नहीं कर सकते. जैसे आपने देखा होगा मार्केट से CDs आप लोगों ने भी ली होंगी, जैसे सॉन्ग्स की CDs होती हैं या मूवीज़ की CDs होती हैं, तो उसमें अंदर जो डाटा गया हुआ है वो एक ही बार जाता है, ना तो उसने डिलीट होना है, ना उसने असेस को आप एडिट कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर चला नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. इसलिए वो बहुत ही चीप होती है, बहुत ही लो कॉस्ट की होती है. और जो टोटल स्टोरेज होती है CD की वो 700 MB की होती है. मान लो कि आपने CD ली है एक, रीड की ही छोटी सी CD, 10 रुपीज़ की आ गई है जैसे, या 15 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की. दैट इज़ द वेरी सिंपल अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, ईजिली मिल जाती है आपको. ये लो कॉस्ट ही है और आप कॉस्ट दे के उसको ले लेते हो कि 15 रुपये वाली है, 20 रुपये वाली है, ले ली आपने. लेकिन 700 MB में अगर आपने 2 MB भी डाटा उसके अंदर राइट किया, पहली बार तो डालना पड़ेगा ना, खाली ली है, और उसके बाद बाकी जितनी स्पेस बच गई है वो सारी वेस्ट हो जाती है. ये एक इशू आ जाता है CD के साथ. एंड इसके बाद एंड क्योंकि लो कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी को आपने स्टोर करके मटेरियल देना हो और वापस नहीं लेना उससे वो मैटर हमने, तो सॉफ्ट कॉपी जो देनी है वो CD में डाल के इजीली दी जा सकती है. लेकिन CD को इंसर्ट करने के लिए पहले आपकी मशीन जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर CD ड्राइव होनी चाहिए. अगर CD ड्राइव नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो सकता. तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन होती है CPU के अंदर भी, कुछ लैपटॉप्स के अंदर भी. अब लैपटॉप्स में जो कैटेगरी मैंने आपको ट्यूटोरियल करवाया था, नोटबुक, क्रोमबुक, उनमें नहीं आती CDs की कोई भी फैसिलिटी, क्योंकि वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी से चलते हैं जिसके लिए उन्हें इंटरनेट ऑलवेज अवेलेबिलिटी में चाहिए होता. लेकिन जो लैपटॉप्स हैं या आपका पार्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर लेते हो, CPU में CD ड्राइव्स मेंशन हुए होते हैं. और अगर आपको लगता है कि मेरा काम एज प्रोफेशनल CDs का रहेगा, या कोई शॉपकीपर है जिसको पता है कि CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो फिर वो अपना कंप्यूटर ये देख के ज़रूर ले कि क्या उसकी मशीन में CD ड्राइव इनबिल्ट है, नहीं है तो असेंबल करवा सकते हैं क्या, इस कैटेगरी से ले लो. सो पोर्टेबल चीज़ है, आप इजीली उसको डाल भी सकते हो, इजेक्ट करके वापस निकाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हो. और बहुत ही थिन मटेरियल होता है, आराम से अपनी बैग में कैरी करके एक एनवेलप में डाल के उसको लेके जा सकते हो.
इसके ऊपर डस्ट का कोई इशू नहीं होता, जैसे फ्लॉपी पे था ड्रॉबैक, डस्ट का बहुत इशू है, मॉइस्चराइज़र का इशू होता है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मर्ज़ी आप इसको रख लो, इसका कोई भी इशू नहीं आता, बस अगर प्रॉपरली चल नहीं रही तो आप इसको किसी अच्छे और बिल्कुल ड्राई जो क्लोथ होता है, साफ़ सुथरा क्लीन, उसके साथ साफ़ कर लो इसके ट्रैक को और वो ये चलनी शुरू हो जाती है। एंड इसकी टाइप्स भी अवेलेबिलिटी है, जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एज़ पर द शेड्यूल ज़रूर पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि ड्रॉबैक जो रीड का है या राइट का वो कैसा है, और हम उसमें डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।